हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सीमा मिश्रा फ्रॉम रैवली। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ अमूल के सिंपल होममेड लाइफ सेशन रेसिपीज में, जहाँ पर हम लेकर आते हैं फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सिंपल सी रेसिपी। तो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे पनीर टोस्ट, जो कि बहुत ही क्विक बन जाती है और बच्चों को आप इसे स्नैक्स के रूप में या टिफिन में कहीं भी दे सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और थैंक यू करना चाहूंगी अमूल की पूरी टीम को, जिन्होंने हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपनी सिंपल सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर सके। तो आइए पहले हम इंग्रेडिएंट्स दिखा देते हैं, फिर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाइए और हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हमारी ऑडियो और वीडियो बहुत क्लियर है कि नहीं। प्लीज कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। तो फ्रेंड्स पनीर टोस्ट बनाने के लिए हमने यहाँ पर कुछ वेजीज कट करके रखी है। यहाँ पर हमने प्याज छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रखा हुआ है और ये टमाटर है जिसका हमने बीच का बीज जो होता है वो निकाल देना है, इस तरह कट कर लेना। और यहाँ पर हमने ये हरी वाली यानी कि ग्रीन शिमला मिर्च ली, वो कट करके रखा है। और ये पनीर जिसे हमने अमूल के दूध से बनाया, इसे हमने घर पर ही बनाया है। और आज हम यहाँ पर अमूल का चीज यूज करेंगे और अमूल का बटर यूज करेंगे जो कि हमारा मेन हीरो इंग्रेडिएंट है। और हम यहाँ पर ये ब्रेड है और इसे भी यूज करेंगे और हम यहाँ पर बटर यूज करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक पैन रखा हुआ, इसमें अब हम डाल देंगे बटर। तो यहाँ पर हम डालेंगे अमूल का बटर। तो जैसे ही बटर हमारा मेल्ट हो जाएगा, इसमें हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, बहुत ही क्विक बन जाती है और बच्चों की तो फेवरेट होती है। जैसे कि बच्चों की छुट्टियां होने वाली है तो उन्हें आ जाए स्टार्टअप स्नैक के रूप में भी शाम को बनाकर दे सकते हैं या मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में भी बनाकर दे सकते हैं। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। यहाँ पर हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे जिससे कि पनीर में अच्छे से इसकी कोटिंग हो जाएगी। और इसे फ्रेंड्स हमें हाई फ्लेम पे ही वो करना है, फ्राई करना है जिससे कि इसका क्रंची बना रहे। इसे हमें सॉगी बिल्कुल भी नहीं करना है, इस तरह से हमें इसे हाई फ्लेम पे बस थोड़ा सा इसे हमें भून लेना है जिससे कि इसमें एक अच्छा सा टेस्ट आ जाए। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पर सब्जियाँ कट कर रखी। तो फ्रेंड्स आप सब्जी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, आप यहाँ पर कॉर्न भी डाल सकते हैं। आज मेरे पास फिनिश है इसलिए मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। सारी चीजों को हमें हाई फ्लेम पे ही पकाना है। हम यहाँ पर ऐड कर देंगे जो हमने यहाँ पर शिमला मिर्च कट करके रखी है। आप इसे ओवन एंड पैन दोनों पर बना सकते हैं, आपको जिस तरह से सूटेबल लगे आप उस तरह बना सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमूल की सारी चीजें बहुत ही अच्छी होती है। अमूल ने तो इस समय दाल और राइस भी अपने उसमें शामिल कर लिया है ब्रांड में और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक होते हैं, जिसमें हम टमाटर भी ऐड कर देंगे और इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे। आप चाहो तो इसे ऐसे भी यूज कर सकते हो, बट हम जब इसे फ्राई कर लेते हैं इसका क्रंच और भी अच्छा लगने लगता है। अब हम यहाँ पर डाल देंगे ये हमने लिया हुआ पिज्जा सॉस। और हम थोड़ा सा मेयोनीज भी इसमें डालेंगे क्योंकि ये बच्चों का फेवरेट होता है। और हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्लैक पेपर का पाउडर थोड़ा सा डाल देंगे
स्क्वाश मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये सारा प्रोसेस हमें हाई फ्लेम पे ही करना है। तो फ्रेंड्स आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ भी पूछना चाहते हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो, बाद में हम सारे लोगों के कमेंट का रिप्लाई देंगे। और आप लोग मुझसे कौन सी रेसिपी सीखना चाहते हो आप ये भी कमेंट में बता सकते हो। फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं पनीर टोस्ट, जो कि बहुत ही सिंपल है, इसे घर पर बहुत इजीली आप बना सकते हो। बस इसे क्या करना है, थोड़ा सा बटर डाला, उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला और थोड़ा सा नमक डालकर पनीर, कैप्सिकम, टमाटो एंड प्याज डाल के इसे हल्का सा हमें हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेना है, जिससे कि ये इसे धीमे बिल्कुल मत करिएगा, जिससे कि इसका क्रंच बना रहे, इसका क्रंच बहुत ही अच्छा लगता है। तो लीजिए सब्जी हमारी सब फ्राई होकर रेडी हो चुकी है, जिसे हम निकाल लेंगे प्लेट में। हम प्लेट निकाल लेंगे जिससे कि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर हम इसकी स्टफिंग भरेंगे। स्टफिंग हमारी रेडी है। हाय नीलूफर जी, आज मैं बना रही हूँ पनीर टोस्ट पिज्जा। गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हमने यहाँ पर जो ब्रेड लिया हुआ है इसे हम निकाल लेंगे और एक कटोरी से हम कट कर लेंगे। आप ब्रेड कोई भी यूज कर सकते हो, व्हाइट वाला या ब्राउन वाला, आपके पास जो अवेलेबल है आप उससे बना सकते हो। इसे ऐसे भी बना सकते हो, बस हम इसे बट हम इसे कट करके बनाएंगे, इसे गोल शेप में बनाएंगे। तो इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है कटोरी से। इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है, इसी तरह से हम सारे ब्रेड को कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें इसे कट कर लेना है। अब हम करेंगे क्या, हम गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे एक साइड हल्का सा बटर लगा के हम इसे सेक लेंगे। गुड इवनिंग दीपा जी, गुड इवनिंग। लगाएंगे अमूल का बटर। और इसे हम एक साइड हल्का सा गोल्डन कलर आने तक सेक लेंगे। हम इसे एक साइड ही सेकेंगे क्योंकि इधर तो हम ऑलरेडी, बाद में जब हम इसे स्टफिंग करके बनाएंगे तो ये देखिए इस तरह से हमें एक साइड सेक लेना है। थोड़ा सा हम फिर से लगाएंगे बटर।
बहुत ही क्विक बन जाता है फ्रेंड्स। इसे आप कभी भी बना सकते हो, एज ए स्नैक्स खा सकते हो, या आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो। अब हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे भी निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें पका लेना। अब हमने जिस टाइप जिस साइड इसे पकाया उसे हम इस साइड ही हम पलट कर लगाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उस साइड तो पक ही जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने ये पिज्जा सॉस लिया उसे हम इस पे स्प्रेड कर देंगे। अच्छे से हमें लगा लेना है इस पे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा मायोनीज भी लगाएंगे। और अच्छे से इसके ऊपर स्प्रेड कर देना है। और अब जो हमने यहाँ पे सब्जियां बना कर रखी थी उसे ही इस पे अच्छे से ढेर सारी सब्जियां हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और हम डालेंगे थोड़ा सा इसपे चिली फ्लेक्स एंड थोड़ा सा ऑर्गेनो। थोड़ा सा हम यहाँ पर ऑर्गेनो डाल रहे हैं। और हम थोड़ा सा यहाँ पर चिली फ्लेक्स डाल देंगे। और हम यहाँ पर डालेंगे ढेर सारा अमूल का चीज। यहाँ पर हमने मोजरेला चीज लिया, आप कोई भी चीज ले सकते हो, स्लाइस भी ले सकते हो या क्यूब्स में जो आता है आप वो भी ऐड कर सकते हो। बच्चों को तो वैसे भी चीज बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा डालेंगे ऑरिगैनो। और हम इस पर लगाएंगे अमूल का बटर और इसे सेक लेंगे। आज हम बना रहे हैं पनीर ब्रेड पिज्जा। तो ये देखिए इस तरह अच्छा सा हम इसमें बटर लगा देंगे। अच्छे से पे हमें बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देना है। और अब हम इसपे जो हमने यहाँ पर ये इसे इसपे ऐड कर देना है। और हम इसे अब कवर कर देंगे जिससे कि हमारा चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। फिर हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। इसी तरह से आप जितने भी पिज्जा बनाना चाहें आप बना सकते हो। नीचे भी इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा और ऊपर से चीज हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। तब तक ही इसे हमें पकाना है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइन माय लाइव। फ्रेंड्स आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, कुकिंग फूड विद
सीमा के नाम से, और हमारा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल भी है जहाँ पर आप विजिट कर सकते हो, जहाँ पर आपको बहुत सारी सिंपल सिंपल सी होममेड रेसिपीज मिल जाएंगी। कुकिंग फूड विद सीमा के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर आपको बहुत ही सारी वेजिटेरियन रेसिपीज मिलेंगी, बहुत ही सारी ब्रेकफास्ट स्नैक्स की रेसिपी मिल जाएंगी। जैसे ही हमारा चीज मेल्ट हो जाएगा, हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। चीज आप देख रहे होंगे, हमारा चीज हल्का हल्का सा मेल्ट होने लगा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो चीज हमारा मेल्ट होने लग गया है। थोड़ा सा और मेल्ट हो जाए फिर हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और आप देख सकते हो नीचे से भी काफी ये क्रिस्पी होके पक गया, ये देखिए काफी क्रिस्प हो गया है। हल्का सा हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सा पानी की छिट्टे मार दे रहे हैं, जिससे कि जल्दी से चीज हमारी मेल्ट हो जाए। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो चीज हमारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसे हम एक सर्विंग प्लेट में निकाल कर सर्व करेंगे। ये नीचे से भी बहुत क्रिस्प पक चुकी है। आपको हम पास से दिखाते हैं कि देखिए चीज हमारा कितना अच्छे से मेल्ट हो चुका और कितनी अच्छी हमारी नीचे से भी क्रिस्प होकर पक गई है और चीज भी बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो ये देखिए हमारा पनीर टोस्ट बनकर पिज्जा रेडी हो गया। हल्का सा हम इस पर चिली फ्लेक्स और स्प्रेड कर देंगे बहुत थोड़ा सा। और थोड़ा सा ऑरेगानो डाल देंगे। तो लीजिए हमारा टोस्ट पनीर पिज्जा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी बन गया है। तो आप लोग भी जरूर ट्राई करिएगा और हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच अमूल गिविंग मी अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइन माय लाइफ। थैंक यू वंस अगेन।